269। भाइयों और बहनों, दर्शक गण, श्रोता गण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, मन को शांति देने वाला, हृदय के अंदर शालीनता लाने वाला और हमारे भीतर प्रसन्नता पैदा करने वाला, हमारे जीवन का विकास करने वाला, जीवन को अच्छी गति देने वाला लाइफ स्टाइल के बारे में बच्चों को, युवाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को संस्कार देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं और हर विषय हमें जीवन का एक सूत्र देता है, जीवन जीने की एक कला देता है और हमारे जीवन का विकास हो सकता है अगर हम उसको पालन करें तो। इसी क्रम के अंदर आज का विषय है आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये पूरा दोहा है, इसको मैं बोल करके सुनाता हूँ। आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे, जागे स्वयं जगाए जग को, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। आग्रहीन गहन चिंतन बहुत बड़ा सूत्र है। देखिए, आग्रह शब्द आया है, आग्रह के साथ साथ में बहुत तरीके के पर्यायवाची शब्द है, आग्रह, कुदाग्रह, अटाग्रह और उसके बाद के अंदर जो है दुराग्रह, ऐसे बहुत से शब्द है जो कि हमारी हमें बुराइयों की ओर ले जाते हैं। ये कुरीति है, ये मानव जीवन के नेगेटिव थॉट्स हैं, तो इनको हमें छोड़ना है। तो आग्रहीन गहन चिंतन यानी कहीं से भी अच्छे विचार आते हैं उसका हमें स्वागत करना चाहिए। और हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, कीप द विंडोज ओपन सो दैट दी क्लीन एंड स्वीट एयर, कोल्ड एयर कैन कम इन एंड वी कैन एंजॉय इट। इसका अर्थ यह है कि हम अपने मस्तिष्क को खुला रखना चाहिए। आज ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है, आज विज्ञान का युग है, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और हर इंसान के पास के अंदर एक विकसित दिमाग होने के कारण हर एक के अपने अपने विचार है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर एक के अपने अपने विचार है और हो सकता है कि कोई विचार जो है हमें बहुत कामयाबी तक पहुंचा दे। हमारा जो कार्य है, हमारा जो मिशन है, उसके अंदर एक विचार है हमें गति दे सकता है। तो इसीलिए हमारा दिमाग ओपन रहना चाहिए, हमें बायस्ड नहीं होना चाहिए, हमें किसी एक चीज को पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए। हमारी ओपिनियन, हमारी मान्यता किसी भी विचार के प्रति नहीं होनी चाहिए, यानी दिमाग खुला रहे। यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस, आप अपनी चेतना को इतना विस्तृत कर दो कि सभी विचार उसके अंदर समा जाए और कोई विरोध ना हो। और वैसे विरोध होना भी नहीं चाहिए। मैं यह कोट करना चाहूंगा कि जैन धर्म के अंदर जो है शादवाद, अनेकांतवाद आता है। अनेकांतवाद क्या कहता है कि सारा जो हमारा चिंतन है वो रिलेटिव है, किसी न किसी दृष्टि से कोई न कोई शब्द, कोई न कोई नए, कोई न कोई विचार जो है अगर वो रिलेटिव है तो वो विचार सत्य है। और वो अगर विचार एब्सोल्यूट हो गया, अगर वह विचार एब्सोल्यूट हो गया तो वो मिथ्या हो गया, क्योंकि हमारे पास के अंदर एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है। और ये सारी दुनिया रिलेटिविटी पे चलती है। आइंस्टीन ने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड रिलेटिविटी से चलता है। तो हमारे विचार भी अगर रिलेटिव है तो सत्य है, और अगर वो एब्सोल्यूट है तो मिथ्या है। एब्सोल्यूट जहां आ जाता है वहां आग्रह हो जाता है। मैंने कहा वह ही, ये जो ही और भी का जो अंतर है, ये आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार खोलता है।
कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने कहा वही सही है, मेरा मेरी आइडियोलॉजी सही है, मेरा कॉन्सेप्ट ही सही है, मेरा धर्म ही सही है, यहाँ आग्रह है, और एक ये कहता है कि भाई ये मेरा विचार है, मेरा चिंतन है, मेरी आइडियोलॉजी है, मेरा रिलीजियन है, आप एक्सेप्ट करें या ना करें आपकी मर्जी है, तो वो रिलेटिव बात करता है तो वह सत्य है, और जो कहता है ही कहता है कि मेरा ही सही है वो एब्सोल्यूट होती है, अगर 100% करेक्ट हो तो भी मिथ्या कहलाता है। ये थ्योरी ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म है, अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद एक सिद्धांत है और शादवाद उसकी मेथोडोलॉजी है। शादवाद को अनेकांतवाद को सिद्धांत को हम प्रैक्टिकल रूप के अंदर शादवाद के जरिए प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि ये रास्ता बॉम्बे को जाता है, ये रास्ता बॉम्बे के साथ साथ में सूरत भी जा सकता है, अहमदाबाद भी जा सकता है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हुई, क्योंकि ये अहमदाबाद से सूरत होते हुए बॉम्बे जाता है, ये रिलेटिव हो गई। और हम कहें कि नहीं मात्र ये रास्ता बॉम्बे ही जाता है तो वह एब्सोल्यूटिज्म हो गया, इसीलिए हमें एब्सोल्यूटिज्म को रोकना है। ये सारे आज दुनिया में इतने फंद क्यों होते हो रहे हैं, और धर्म के नाम पर जो है जाति के नाम पर इतने झगड़े, और सबसे बड़ी खून की क्रांतियां हुई है और सबसे बड़ा रक्तपात हुआ है धर्म के नाम पर। इसका कारण ये है कि चिंतन हमेशा आग्रह पूर्वक होता है जब ये चीज आती है, और आग्रहीन चिंतन होता है तो उसके अंदर कोई भी परेशानी नहीं आता है, उसमें सर्वधर्म संभाव होता है। इस दुनिया में सैकड़ों तरह के धर्म हैं, अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी पूजा करने की विधि है, तो वो अपने अपने तरीके से करते हैं, तो हम अरे हरेक के अंदर अगर सम्मान रखें, हरेक के अंदर हम उसके ऊपर सम्मान का भाव रखें, तो ये किसी तरह का आग्रह नहीं होता है। हमारे घर में भी देखिए कि अगर कोई भी बच्चा हमें कोई सजेशन देता है कि यह कार्य ऐसे किया जाना चाहिए, और हम उसके ऊपर थोपें कि नहीं ये कार्य ऐसे नहीं, ऐसे ही किया जाता है, ये ही जो है ये प्रॉब्लम पैदा करता है और वहीं आग्रह होता है, और जो व्यक्ति ही को छोड़ करके भी को अपना लेता है कि ये कार्य ऐसे नहीं, ऐसे भी किया जा सकता है, क्योंकि एक कार्य को करने के लिए कई तरीके होते हैं। जैसे कि हमारे को यहाँ से दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, एक रास्ता नहीं होता है, गंतव्य एक होता है, लेकिन वहाँ पहुँचने तक जो है मंजिल एक होती है, लेकिन उसके जो साधन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो जब साधन अलग अलग होते हैं तो वहाँ भी अप्लाई होता है, ही अप्लाई होते ही व्यक्ति रॉन्ग हो जाता है, और रॉन्ग होकर के वो एक नई समस्या पैदा कर देता है। हम चलें अपने परिवार से अपनी बात कर रहे थे कि जो व्यक्ति आग्रहीन गहन चिंतन रखता है तो उसका किसी के साथ के अंदर जो है वो टकराव नहीं होता है। कोई बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिला हैं, युवा हैं, हरेक का अपना अपना घर के अंदर चिंतन होता है। उस चिंतन को हमने सुना और उस चिंतन को जो है हमने अपनी बात थोपी नहीं, उसको एक सजेशन को हमने माना, तो हमारे झंझट कोई नहीं होता और सर्वसहमति होकर के हम कोई निर्णय लेते हैं ऐसे नहीं ऐसे किया जाना चाहिए, तो कोई तरह की समस्या नहीं होती है। हम व्यक्तिगत स्तर से और जो पारिवारिक स्तर से समाज की ओर जावें, समाज में कई तरह के लोग होते हैं और कई तरह के उनके चिंतन होते हैं, उनकी विचारधारा होती है, उनके कार्य करने की पद्धति होती है, तो हमें सुनने का मादा होना चाहिए। अच्छा लीडर वह होता है जो कि सुनने का मादा रखता है और हरेक के विचारों को जो है वो सम्मान देता है। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो ऐसे भारत के भारत रत्न, ऐसे महान नेता जो कि राजनीति में रहते हुए भी उनका कोई शत्रु नहीं था, क्योंकि वो पहले अपने आप को इंसान समझते थे, उसके बाद में प्रधानमंत्री या अपनी जो है वो
पार्टी का अध्यक्ष या कुछ और समझते थे। इंसानियत होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के अंदर विनय का भाव होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर आग्रहीनता होनी चाहिए कि हर व्यक्ति जो जो अपना विचार प्रस्तुत किया कर रहा है उसको शांति से सुना जाना चाहिए और अपना विचार भी रखा जाना चाहिए, और जब सर्वसहमति हो जाती है तो उसके अनुरूप हमको कार्य करना चाहिए। आज देश के अंदर देखें कि पार्टियों के बीच में झगड़े क्यों हैं, ये झगड़े इसलिए पार्टियां आपस में मिलकर के काम क्यों नहीं करती है कि वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी दूसरी पार्टी पर थोपती है। ये थोपना एक गलत बात है, और हरेक की अपनी अपनी आइडियोलॉजी को हम इकट्ठा करें तो इकट्ठा करने पर जो है उसके बाद के अंदर आम सहमति बनावें तो जो है वो हमारा कार्य अच्छा हो सकता है। हम लोकतंत्र की बात करें, भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये सन 47 से बराबर चल रहा है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र के अंदर आग्रहीनता है। यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है, एक संविधान ऐसा बना हुआ है कि सभी उसके अनुरूप पार्टियां काम करती है, और 5 साल के बाद के अंदर चुनाव होते हैं। हर एक का अपना अपना पीरियड होता है, सरपंच का देखिए या जो है वो एमएलए का देखिए, एमपी का देखिए, राज्यसभा का देखिए, लोकसभा का देखिए, हर एक का अपना अपना समय होता है। उस समय के बाद के अंदर लोगों के द्वारा चयन किया जाता है। लोकतंत्र है वो जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता से है। लोक शक्ति वहां बड़ी होती है, लोक शक्ति की मान्यता होती है, और वो शक्ति महान होती है। वो किसको रखती है, किसको उसके उसकी शक्ति से सरकार बनती है, किसको रखती है, किसको हटाती है, और हमारा भारत का जितनी भी संपत्ति है सब वो लोक संपत्ति है। वो उसका हरेक उसके अंदर भागीदार है। तो इस तरीके का जब चिंतन होता है तब हम बहुत समृद्ध हो जाते हैं, और हम बायस्ड हो जाते हैं। व्यक्ति विशेष के बारे में भी देखिए कि व्यक्ति विशेष ने किसी समय के अंदर कोई गलती की, उसने झूठ बोल दिया, तो हमने उसके बारे में एक ओपिनियन बना ली, ये तो झूठा है। उसके बाद में व्यक्ति तो हर समय बदलता रहता है, कोई ऐसी परिस्थितियां रही होगी कि वो झूठ बोला है, तो उसको हमने ओपिनियन जो बना रखी है झूठ होने की, आग्रह है। अब दूसरी बार वो बदल के आ गया, सच भी बोलता है, तो हमारी ओपिनियन के अनुसार हमने तो उसको झूठा ही माना है। तो झूठा मानने से क्या होता है, उसका हमारे साथ के अंदर सामंजस्य नहीं बनता है, और वो कोई अच्छा सुझाव देता है, या हम टीम स्पिरिट से काम करते हैं तो टीम स्पिरिट नहीं बनती है। आग्रहीनता के फायदे क्या है, आग्रहीनता से दिमाग ओपन रहता है, कई विचार कई आइडियाज सामने आते हैं, और हर आइडिया का सम्मान किया जाता है, और हर आइडिया अपने अपने तरीके से उपयोगी होता है, क्योंकि वो अनेकांत की परिभाषा, वो रिलेटिव होते हैं। और उसके सबसे बड़ा ये फायदा है कि हम मानसिक रूप से बहुत समृद्ध बनते हैं। दूसरा फायदा ये है कि आग्रहीन चिंतन होने से हम टीम स्पिरिट से काम कर सकते हैं। हमने अपना सुझाव दिया, अगर ये हमारी टीम ने मान लिया ओके, तो उसके अनुरूप हम कार्य करते रहते हैं, तो किसी पे बोझ नहीं है, किसी पे कोई तनाव नहीं है। वो थोपा हुआ नहीं होता है तो सभी लोग, क्योंकि सर्वसहमति से होता है तो सभी लोग बड़ा खुशी खुशी उस कार्य को करते हैं। तीसरा ये होता है कि जब हम टीम स्पिरिट से काम करते हैं और एक सर्वमान्य सिद्धांत को लेकर के काम करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, हमको सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। अगला फायदा यह है कि क्योंकि वो आग्रहीन चिंतन है और सर्वमान्य है तो हमारे को उस कार्य करने में बहुत रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, और जो कार्य इंटरेस्ट के साथ में किया जाता है उसे प्रसन्नता मिलती है, उसे आनंद मिलता है, और वो कार्य कैसे चुटकी भर में हो जाता है हमको पता नहीं लगता है, क्योंकि हमारे मेंटल में स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं होती है। आग्रहीन चिंतन करने से स्ट्रेस और स्ट्रेन समाप्त हो जाती है, और जब स्ट्रेस और स्ट्रेन समाप्त हो जाती है तो कई तरह की जो है वो साइकोसोमेटिक डिजीजेज है जो व्यक्ति को हो जाती है
वो कुंठा हो जाती है, वो सब समाप्त हो जाती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज की सिनेरियो से मैं इस विषय को जोड़ना चाहता हूं कि हमेशा अपने दिमाग को खुला रखें, अपने दिमाग की खिड़कियों को खुला रखें, और आप 24 आवर्स के अंदर जहां भी कार्य करते हो, अपने घर के साथ में, समाज के साथ के अंदर, अपने वर्किंग प्लेस के अंदर, सबके आइडियाज को आने दो, उसके आइडियाज को लेने दो। मानना ना मानना आपकी बात है, लेकिन उसका प्रतिकार मत करो, उसके ऊपर कोई चीज थोपी न जाए, उसको सुना जाए। हो सकता है कोई अच्छी बात करे तो उसको माना जाए, वो हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। और इसीलिए आज वर्तमान का सिनेरियो देखें तो आज क्या हो रहा है, हर व्यक्ति अपनी अपनी बात को दूसरों पे थोपना चाहता है, क्योंकि ईगो है उसका, जो ईगो ये कार्य कराता है कि मेरी बात रहनी चाहिए, मेरी मूंछ का सवाल है, मेरी बात कटनी नहीं चाहिए। इस कारण वो लोगों से मनवाता है, वो अपने पद का दुरुपयोग करता है या अपने संसाधनों का दुरुपयोग करता है, और अपनी बात को जबरदस्ती थोपता है और मनवाने के लिए मैनेज करता है। तो उससे वो बात हृदय से नहीं मानी जाती है, और हृदय से नहीं मानी जाती है उस व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, और वो कार्य भी सफल नहीं होता, एक मजबूरी हो जाती है, उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आता है। तो आज सारी जितने भी झगड़े टंटे जो हैं समाज के अंदर चल रहे हैं, संस्थाओं के अंदर चल रहे हैं, देश के अंदर चल रहे हैं, मानव जाति के अंदर चल रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर चल रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है आग्रह। इस आग्रह को, ये कुदाग्रह है, ये दुराग्रह है, इस आग्रह को हमें छोड़ना चाहिए। कहीं पर भी हमारे जीवन के किसी भी कोण के ऊपर आग्रह नहीं होना चाहिए। ये आग्रहहीनता ये जीवन का एक बहुत बड़ा जो है गुण है, और ये गुण जो है प्रसारित किया जाना चाहिए। खास तौर से व्यक्ति स्वयं इस गुण का पालन करे, और जो व्यक्ति आग्रहहीन होगा वो 100 लोगों के बीच में बैठ जाए, 1,00,000 लोगों के बीच में बैठ जाए, तो वो वार्तालाप करेगा, दूसरे की बात सुनेगा, और सुन करके वो जो है वो एक सर्व मान्य सिद्धांत के ऊपर आएंगे, सर्वमान्य जो है कार्य के ऊपर आएंगे, और वो करने लग जाएंगे। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है। अगर हमें अच्छा समाज बनाना है, अच्छा घर बनाना है, अच्छा देश बनाना है, अच्छा विश्व बनाना है, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को हमें सार्थक करना है, तो हमें आग्रहहीन चिंतन रखना चाहिए। चाहे हमारे धर्म के प्लेटफॉर्म हो, चाहे सेमिनार के प्लेटफॉर्म हो, चाहे जो विद्यालय है जो कि हमारे ज्ञान के मंदिर है, कहीं पर भी, चाहे हम विदेश में जाएं, अपने लोगों के बीच में रहें, चाहे हम पब्लिक प्लेसेस पे रहें, तो कभी भी अपनी बात थोपने की कोशिश नहीं करें कि मैं कहता हूं वही सही है, उसको आप मान्य करो, वो सारी समस्याओं की जड़ है, और वहीं से झगड़े टंटे उत्पाद और वहीं से प्रारंभ होते हैं। आज बड़े बड़े जो ये सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं, दंगे इसीलिए होते हैं कि व्यक्ति अपनी बात को थोपने की कोशिश करता है, एक समूह अपनी बात को दूसरों की बात पे समूह पे थोपने की कोशिश। मान लीजिए कि 2 लोगों के अपने अपने अलग अलग धर्मों के जो है वो रैली जा रही है, और अपना अपना धर्म अपने अपने हिसाब से मना रहे हैं, तो 1-2 समूह जा रहे हैं, एक समूह अड़ जाए कि नहीं, हम तो इसी, हमारा ताजिया तो इसी रास्ते से ही जाएगा, 1 इंच भी नहीं टलेगा, जबकि दूसरा पक्ष कहता है भैया हम थोड़ा इधर से चले जाएं, हम थोड़ा थोड़ा आप झुक जाओ, थोड़ा हम झुक जाएं, हम इधर से निक जाएं, मतलब टकराव को टालने की बात करते हैं। लेकिन कोई टकराव नहीं टालता है तो वहां पर क्या सांप्रदायिक उन्माद हो जाता है, और वहां पर लड़ाई झगड़े टंटे पत्थरबाजी पुलिस कार्रवाई आंसू गैस वगैरह ये चल जाती है। उसके मूल के अंदर जो बात होती है वो आग्रह रहता है, उस आग्रह को छोड़ा जाना चाहिए। और आग्रह एक बहुत बड़ा एक विकृति है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। पुनरुत्थान कार्यक्रम आपके प्रयासों से सफल हो रहा है, आप इसको देखते हो, लोगों को प्रेरित करते हो और हमारे तक अपना फीडबैक भेजते हो, इसलिए हमें भी बड़ा आनंद आ रहा है, आपको भी आनंद आ रहा है, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आपके प्रति शुभकामना।